देख सकते हैं यही मंदिर है वो जो शंकर भगवान का, ये है बनारस की गलियां। दर्शन कराने तो दोस्तों आप लोगों को चलते हैं दर्शन करवाने के लिए और दिखाते हैं आपको गंगा आरती। तो अभी हम तो लेट हो चुके हैं पर देखते हैं हमें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी भाइयों का। और आज हम जो आए हैं बनारस आए हैं, काल भैरव मंदिर जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए मेरा स्टार भाई जो आज साथ में है, आज हम आपको काल भैरव मंदिर का पूरा विवरण दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए, देख सकते हैं आए हैं हम लोग बनारस के घाट पर और काफी ही भीड़ है और काफी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, काफी यहाँ पर बहुत बहुत लोग आते हैं, देख सकते हैं कितना भीड़ है। ये है काशी का नज़ारा, महादेव की नगरी का नज़ारा। अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेज वाला पर्सन भी था, फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे दोस्त देख रहे हैं जो अंग्रेज हमारे पीछे खड़े हैं, काफ़ी दूर दूर से पुलिस यहाँ पर आते हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो चाय का आनंद ले रहे हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कितने अंग्रेज आए हुए हैं। देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजारा है जो कि बनारस का है और आरती का समय खत्म हो चुका है और आरती के समय पर हम लोग नहीं आ पाए, काफी विलंब हो गया क्योंकि रास्ते में इतना जाम था कि हम लोग को पहुंचने में आरती का आयोजन छूट गया हम लोगों से। तो जाहिर सी बात है जहां पर बम भोला रहेंगे उस नगरी में खुशहाली तो खुशहाली रहेगी ही और वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत और ना किसी प्रकार का रोग दुख इस नगरी में आ सकता है। क्या खूबसूरत नज़ारा है जो देख रहे हैं आप लोग। बनारस बम बम बोले हर हर महादेव, हर हर शंभु, बनारस बम बम बोले। भैया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तुम यही बनारस में साधु बन जाएंगे भैया।
तो हम लोगों से यही निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो यहीं पर साधु बन जाएंगे। हमको यहीं पर रहने का दिल कर दिया, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाए और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम भैया साधु बन जाएंगे। तो देख सकते हैं यही गंगा घाट का नजारा काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ही अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला इस जगह पर आकर। और बाबा का नगरी है तो सुकून तो मिलेगा ही, या बाबा हमारे दिल में हो या मंदिर में हो, किसी जगह पर बाबा के पास आने के बाद सुकून मिलता ही है। तो जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम आपको और भी कुछ रिलेटेड चीज़ें दिखा पाएँ। और इतने दूर आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, इतनी रात में हम लोग आए हैं आपको दिखाने के लिए कि आप लोगों को कुछ नया दिखा सकें। और ये घाट पर आए हैं लेट हो गए, और यहाँ पर हम लोग लाइव दिखाने के लिए आपको आरती पर आरती में काफ़ी हम लोग लेट हो गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं और निकल रहे हैं, काफ़ी रात हो चुका है। तो चलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय भोलेनाथ, जय शंभू।